हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश चौधरी। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक हाई राइज बिल्डिंग जिसमें 2 और 3 BHK अपार्टमेंट वाली ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग का नाम है क्लब थ्रू हाइट्स। तो फ्रेंड्स, पहले मैं लोकेशन के बारे में बताता हूं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि हम ऐसी प्रॉपर्टी से संबंधित वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पीछे की तरफ आप नज़ारा देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है जिसमें टोटल जो फ्लैट्स की बात मैं करूं तो 50 फ्लैट्स इसके अंदर बने हुए हैं 2 और 3 BHK के। एक फ्लोर के अंदर 3 BHK के 3 फ्लैट बने हुए हैं और 2 BHK के 2 फ्लैट बने हुए हैं। तो अपन टूर करने वाले हैं 3 BHK का। तो आइए एक बार अपन पहले टूर कर लेते हैं, उसके बारे बाद में अपन बात करेंगे रेट्स वगैरह के बारे में, साइज़ वगैरह के बारे में, और बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं सब कुछ मेंशन कर दूंगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ जानकारी। तो चलिए, तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं ऊपर की तरफ। 3 BHK जो है मैं टूर आपको करवाने वाला हूँ। आइए एक बार कैमरामैन जी अंदर की तरफ। तो जैसे ही अपन एंटर होते हैं, बहुत ही प्यारा स्पेस यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है, स्पेस को पूरा यूटिलाइज यहाँ पे किया गया। एक बार आराम से आप एक बार दिखाइए, सोफ़ा का जो स्पेस है बहुत ही बढ़िया। दो मतलब एक L-shaped सोफ़ा और एक जो है ये नॉर्मल सोफ़ा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आइए कैमरा मैन थोड़ा अंदर की तरफ आके ये दिखाइए। सामने की तरफ टीवी पैनल के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा वुडन का काम यहाँ पे देखने को मेरे को मिल रहा है। बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया गया है। इधर की तरफ अपन देखेंगे तो यहाँ पे पूजा के लिए बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे पूजा के लिए भी रखा गया है। बहुत प्यारा जो है लुक यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। एकदम मंदिर का जो है फीलिंग यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रही है। अब आएंगे अपन अंदर की तरफ। आइए कैमरा मैन जी इधर की तरफ देखेंगे अपन। तो यहाँ पे एक बार दिखाइए, डाइनिंग एरिया जो है उसके लिए भी यहाँ पे सफिशियंट स्पेस जो है मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अंदर की डाइनिंग एरिया की इधर की तरफ अपन देखेंगे तो आप जो है पर खाना खाते समय आप आराम से बालकनी का लुक, बालकनी भी बहुत अच्छी स्पेस है, बालकनी के लुक में बाहर की तरफ आप आराम से जो है देख सकते हैं। बढ़िया खाना खाते समय आप बाहर का लुक भी आराम से इंजॉय कर सकते हैं। फिर अपन आते हैं इधर की तरफ। तो यहाँ पे जो है अपन को देखने को मिलेगा कॉमन लेट बाथ। कॉमन लेट बाथ का एक बार स्पेस आप थोड़ा सा आगे दिखाइए। बहुत ही बढ़िया स्पेस के अंदर मेरे को यहाँ पे कॉमन लेट बाथ देखने को मिल रहा है। फिर अपन जो है अंदर की तरफ आते हैं ये रूम की तरफ। अरे वाह, बहुत ही प्यारा जो है यहाँ पे वुडन का काम जो है मेरे को देखने को मिल रहा है। लगभग वही 13x12 के आसपास रूम की साइज मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप कैमरामैन जी एक बार थोड़ा स्लो करके वुडन का जो है पूरा नज़ारा एक बार चारों तरफ से रूम का एक बार नज़ारा यहाँ पे दिखा दीजिए। बहुत प्यारा मेरे को यहाँ पे वुडन का काम देखने को मिल रहा है। एक बार आप इधर से आराम से वहाँ जाके एक बार इधर का भी लुक जो है यहाँ पे दिखा दीजिए। यहाँ पे जो है सामने की तरफ टीवी पैनल जैसे कि आपको देखने को मिला। अब इधर की तरफ देखेंगे अपन, यहाँ पे वार्डरोब्स का भी बहुत अच्छा स्पेस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वार्डरोब्स भी पूरा सफिशिएंट जो है स्पेस में यहाँ पे दी गई है। उसके बाद में भी रूम के अंदर जो है साइज बहुत अच्छा, मतलब दोनों तरफ से बहुत अच्छी साइज में यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है। अब देखते हैं अपन उधर की तरफ चलते हैं। आइए कैमरामैन जी, यहाँ से अपन जो है एक रूम अपन ने जैसे देख लिया है, बाहर की तरफ चलेंगे। हॉल को जैसे अपन क्रॉस करेंगे इधर की तरफ जो है सबसे पहले हमारे राइट साइड में पड़ता है किचन का स्पेस। किचन का स्पेस एक बार दिखाइए, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया एकदम। किचन का स्पेस भी बहुत एकदम एक रूम की तरह बिल्कुल किचन का स्पेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वेंटिलेशन के लिए इधर की तरफ से विंडो भी यहाँ पे दी गई है। फिर इधर बिल्कुल किचन के सामने की तरफ देखते हैं, एक बेडरूम यहाँ पे बना हुआ। आइए एक बार बेडरूम के अंदर। अरे वाह, बेडरूम का भी, इसका भी बेडरूम का लुक बहुत मेरे को प्यारा लग रहा है। यहाँ पे जो है वार्डरोब्स का एक बार डिज़ाइन दिखाइए, कितना प्यारा वार्डरोब्स का डिज़ाइन जो है मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सामने की तरफ जो है ये डिज़ाइन एक बार आप स्लो करके दिखाइए कैमरामैन जी, बेड के ऊपर वाली जो डिज़ाइन है वो, और बेड का लुक भी एक बार आराम से आप स्लो करके दिखाइए। फिर अपन बेड के सामने की तरफ देखेंगे, यहाँ पे जो है टीवी पैनल का पूरा एरिया दिया गया है। यहाँ देखो आराम से रैक्स वगैरह, बहुत ही जो है स्पेस यहाँ पे यूज़ किया गया। इतना सब कुछ होने के बाद में, वार्डरोब्स होने के बाद, टीवी का यहाँ पैनल वगैरह, ये वार्डरोब्स होने के बाद में भी यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस जो है मेरे को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इधर की तरफ अपन देखेंगे तो यहाँ पे बालकनी जो है इस रूम के लिए यहाँ पे बालकनी भी मेरे को देखने को मिल रही है। इधर की तरफ अपन देखेंगे बाथरूम, बाथरूम का स्पेस जैसे कि मैंने पहले बताया था वैसे ही बहुत अच्छा बड़ा स्पेस जो है बाथरूम का मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अपन देखें इधर की तरफ, शीशे का भी बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया। मैं तो एकदम से कन्फ्यूज ही हो गया था कि इधर गेट तो नहीं है। तो बहुत अच्छा जो है यहाँ पे डिज़ाइन मेरे को एक देखने को मिल रहा है। फिर अपन देखते हैं तीसरे वाला रूम, जो कि अपन बिल्कुल एंटर होते हैं उसके थोड़ा सा मतलब डाइनिंग के बिल्कुल सामने की तरफ जो है तीसरा बेडरूम मेरे को यहाँ पे, मास्टर बेडरूम भी अपन इसको बोल सकते हैं। ये भी लगभग लगभग वही 13x12 के आसपास की स्पेस, मतलब सफिशियंट स्पेस जिसको बोल सकते हैं अपन। देखो यहाँ पे एक बार थोड़ा कैमरामैन जी दिखाइए, इतना स्पेस यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है। बेड यहाँ पे आ चुका है, इसके बाद में भी अगर मैं इधर जाके खड़ा होता हूँ तो लगभग उतना ही स्पेस जो है यहाँ पे मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें भी अपन देखेंगे सामने की तरफ टीवी पैनल का यहाँ पे काम किया गया है, वार्डरोब्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। और थोड़ा इधर जाके एक बार दिखाइए इधर की तरफ, जो पीछे का जो बेड का जो नज़ारा है कितना प्यारा लुक मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
अटैच लेट बाथ की अगर अपन बात करें तो इधर की तरफ आइए एक बार। अटैच जो ये चूंकि मास्टर बेडरूम है तो इसका अटैच लेट बाथ बहुत अच्छा स्पेस में, एक बार आप अंदर जाके एक बार स्पेस जो है दिखा दीजिए, कितना प्यारा जो स्पेस मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा, बड़ा अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। अब अपन बात करते हैं इधर की तरफ, आइए कैमरामैन जी वापस। यहाँ पे इसके अंदर जो है यहाँ पे भी बालकनी का जो है अपन को नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि अपन ने देखा कि 1, 2, 3 तीन तो बालकनी यहाँ पे अपन को देखने को मिली। आइए कैमरामैन जी अपन वहाँ बैठ के जो है रेट वगैरह के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो तीन, जैसे कि मैंने बताया, तीन बालकनी हो गया, किचन का स्पेस भी अच्छा हो गया, दो रूम के अंदर अटैच बालकनी थी, अटैच लेट बाथ दो रूम के अंदर है, मतलब तीन जो लेट बाथ यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ होल बिल्कुल होल के अंदर जो है यहाँ सामने की तरफ बालकनी जो मैंने आपको जैसे बताया। रेट और जो इसके लेआउट के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, हमारे सलाहकार के नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ जाके हमारे सलाहकार से सलाह ले सकते हैं और विजिट के लिए भी आप वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के। हाँ, एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले, क्योंकि हम ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी के वीडियो जो है आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।